मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के साहू रोड स्थित बालिका गृह परिसर में कथित तौर पर एक लड़की की हत्या कर दफन की गई लाश की बरामदगी को लेकर हुई खुदाई पर सभी की नजरें जमी रहीं। हर तरफ अटकलबाजियों का बाजार गर्म था। परिसर में आने वाले लोग उन स्थानों को खोज रहे थे कि आखिर किस स्थान पर लड़की की लाश को दफन किया गया होगा। सबके अपने अपने नजरिए थे। सही तौर पर कोई अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच रहा था। लोगों व मीडिया का व्यापक हुजूम एक अलग तरह का वातावरण बना दिया था। खुदाई शुरू होते ही वहां से आने जाने वाले हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही सवाल था कि लाश मिली क्या। जिले के लिए अब तक की ऐसी अलग तरह की घटना रही जिसमें राष्ट्रीय स्तर की मीडिया ने भारी दिलचस्पी ली। मोहल्ले के लोगों में भी भारी उत्सुकता रही। कुछ तो बालकनी व खिड़की से तथा कुछ बाहर निकलकर स्थिति से अवगत हो रहे थे। मुख्य सड़क के किनारे दुकानों पर भी जमे लोग स्थिति पर नजर रखे हुए थे। सुबह से ही यहाँ के लोगों को पुलिस टीम के आने का इंतजार रहा। आरोपित ब्रजेश ठाकुर के परिजन भी रहे उपस्थित। बालिका गृह परिसर से सटे आरोपित ब्रजेश ठाकुर का आवास भी है। दिन के लगभग 11 बजे परिसर में उनकी बेटी टहलते हुए लोगों से बातचीत व मीडिया कर्मियों के सवालों को जवाब दे रही थी। वह कहती है खुदाई का उनके परिजन विरोध नहीं कर रहे हैं। वह सभी भी सच्चाई का सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, सब झूठे आरोप लगाए गए हैं। कई गाड़ियों के काफिले में नगर DSP मुकुल कुमार रंजन, महिला थाना अध्यक्ष ज्योति कुमारी, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी शीला रानी गुप्ता सहित अन्य पुलिस अधिकारी व जवान बालिका गृह परिसर पहुंचे। शोकता के ढक्कन के निकट निशानदेही करते ही शुरू हो गई खुदाई। लगभग आधा घंटा बालिका गृह में रहने के बाद अचानक पुलिस अधिकारी एक लड़की का हाथ थामे तेजी से परिसर में पहुंचे। लड़की सीधे परिसर के दक्षिण पूर्वी कोने जहां शोकता का ढक्कन लगा था उसके बगल के स्थान पर लाश दफन किए जाने की निशानदेही कर दी। इसके बाद वहां मिनी JCB बॉब कट मशीन से खुदाई शुरू कर दी गई। खुदाई में जमीन के अंदर से कचरा व मिट्टी निकली। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती गई, लेकिन 4 फीट से अधिक गहराई तक खुदाई करने के बाद भी लाश के दफन किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला तो इसे रोक दिया गया। इसने अब तक चल रही तरह तरह की अटकलबाजियों पर विराम लगा दिया। दिनकर भी नहीं ढूंढ सका साक्ष्य। लड़की की निशानदेही वाली जगह की खुदाई के बाद भी जब लाश दफन किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला तो पुलिस के खोजी कुत्ता दिनकर को इस कार्य में लगाया गया। वह भी लाश दफन करने के सुराग का पता लगाने में असफल रहा। इसके बाद शाम 5 बजे के आसपास इस कार्रवाई को बंद कर दिया गया। बालिका गृह को फिर से किया गया सील। सोमवार की कार्यवाही पूरे होने के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बालिका गृह को फिर से सील किया गया। इससे पहले वहां से रजिस्टर व कुछ कपड़े पुलिस ने जब्त किए।